हेलो फ्रेंड, आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम के लिए में स्वागत है। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम होता है उसका मैकेनिकल इंजीनियरिंग पेपर 2 सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन आपको दिया गया है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, इफ़ अ बॉडी इज एट थर्मल इक्विलिब्रियम देन किरचॉफ लॉ से अगर कोई बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो उसकी इमिसिविटी उसकी एब्सॉर्प्टिविटी के इक्वल होती है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, इमिसिविटी इक्वल टू एब्सॉर्प्टिविटी। इमिसिविटी होती है इमिसिव पावर ऑफ नॉन ब्लैक बॉडी अपॉन इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, द हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन थ्रू अ पाइप इज गिवन बाय द रिलेशन। तो उसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, क्यू इक्वल टू 2πkl T1 - T2 upon log R2 by R1, जहाँ पे के हमारा थर्मल कंडक्टिविटी है, एल पाइप की लेंथ है, T1 इनिशियल टेम्परेचर, T2 फाइनल टेम्परेचर, R2 आउटर रेडियस और R1 इनर रेडियस है। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता कि द हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन थ्रू अ स्फीयर, पाइप जगह आपसे स्फीयर का हीट ट्रांसफर पूछता, तो आपका आंसर होता क्यू इक्वल टू 4πkR1R2 (T1 - T2) / R2 - R1। इस रिलेशन को भी आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विद द हेल्प ऑफ फिन्स द हीट ट्रांसफर कैन बी इंक्रीज्ड बाय अबाउट, फिन की हेल्प से हम हीट ट्रांसफर 4 times बढ़ा सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 times। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इन अ लो स्पीड SI इंजन द इनलेट वॉल क्लोजेस अप्रॉक्सीमेटली। लो स्पीड SI इंजन में हमारा इनलेट वॉल BDC के बॉटम डेड सेंटर के 10 डिग्री आगे क्लोज होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 डिग्री आफ्टर BDC। अगर इस क्वेश्चन में क्लोजेस की जगह ओपन बोलता तो हमारा आंसर होता 10 डिग्री बिफोर BDC। ये दोनों आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, द फंक्शन ऑफ फ्यूल इंजेक्टर इज टू, फ्यूल इंजेक्टर डीजल इंजन में कंबस्चन कराने के लिए यूज़ किया जाता है। फ्यूल इंजेक्टर का ये काम होता है कि ये फ्यूल का कंबस्चन चैम्बर में एटमाइजेशन करता है। एटमाइजेशन प्रोसेस होता है कि फ्यूल को एक फुहार के रूप में कंबस्चन चैम्बर में इंजेक्ट करना। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एटमाइज द फ्यूल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, द फंक्शन ऑफ कार्बोरेटर इज टू, कार्बोरेटर हमारा SI इंजन स्पार्क इग्निशन या पेट्रोल इंजन में यूज़ किया जाता है। कार्बोरेटर काम होता है कि ये फ्यूल को एयर के साथ एक प्रॉपर रेशियो में मिक्स करके उसे कंबस्चन चैम्बर में एटमाइज करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एटमाइज एंड वेपराइज द फ्यूल एंड टू मिक्स इट विथ एयर इन प्रॉपर रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इन SI इंजन द थ्रोटल वॉल ऑफ कार्बोरेटर कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ, कार्बोरेटर में थ्रोटल वॉल फ्यूल और एयर के मिक्सचर को कंट्रोल करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसे आप फिगर में अच्छे से देख सकते हैं कि थ्रोटल वॉल यहाँ नीचे लगा हुआ है। अगर इसी क्वेश्चन में बोलता कि चोक वॉल किसको कंट्रोल करता है, तो चोक वॉल कार्बोरेटर में एयर को कंट्रोल करेगा, जिसे आप फिगर में भी देख सकते हैं कि जो चोक है वो ऊपर लगा हुआ है और थ्रोटल वॉल यहाँ नीचे लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द फंक्शन ऑफ अ हाइड्रोलिक टर्बाइन इज टू कन्वर्ट वाटर एनर्जी इनटू, हाइड्रोलिक टर्बाइन वाटर एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैकेनिकल एनर्जी। फिर यही मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा कि हाइड्रोलिक टर्बाइन सिर्फ वाटर एनर्जी को मैकेनिकल में और जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ अ टर्बाइन इज, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, द स्पीड ऑफ अ ज्योमेट्रिकली सिमिलर टर्बाइन दैट वुड डेवलप 1 metric horsepower अंडर अ हेड ऑफ 1 meter। टर्बाइन की स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला होता है
एन एस इक्वल टू एन अंडर रूट पी अपॉन एच की पावर 5/2, जहां एन हमारी आरपीएम में होगा, पी हमारा किलोवाट में होगा, एच हमारा मीटर में होगा। क्वेश्चन में ये भी पूछता है कि जो पावर है वो किलोवाट में होता है कि वाट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द टाइप ऑफ टर्बाइन रिकमेंडेड फॉर अ हेड ऑफ 10 मीटर इज, तो उसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी कापलान टर्बाइन। कापलान टर्बाइन में हेड हमारा 60 मीटर से नीचे होता है। अगर बात की जाए फ्रांसिस टर्बाइन में, तो फ्रांसिस टर्बाइन में हेड हमारा 60 मीटर से 250 मीटर के बीच में होता है, और पेल्टन व्हील टर्बाइन में हमारा हेड 250 मीटर के ऊपर रहता है। इस चार्ट में आप डिफरेंट डिफरेंट टर्बाइन के हेड और स्पेसिफिक स्पीड देख सकते हैं, जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, द वेन्स ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप मूव ड्यू टू, सेंट्रीफ्यूगल पंप एक मैकेनिकल डिवाइस है जिसमें कि हम मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में हमको मैकेनिकल एनर्जी देने के लिए कोई अलग से मोटर लगानी पड़ती है, जिसे हम प्राइम मूवर भी कहते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पावर सप्लाइड बाय प्राइम मूवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज गिवन एज, सेंट्रीफ्यूगल पंप की स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला होता है एन एस इक्वल टू एन अंडर रूट क्यू अपॉन एच की पावर 3/4, जो कि हमारा ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एन हमारा स्पीड है, क्यू डिस्चार्ज है, और एच मैनोमेट्रिक हेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्रेसर्स हैज़ हाईएस्ट कैपेसिटी, कंप्रेसर काइनेटिक एनर्जी को डिफ्यूजर की हेल्प से प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हाईएस्ट कैपेसिटी के लिए हम लोग एक्सेल फ्लो कंप्रेसर का यूज़ करते हैं, जिसमें कि डिस्चार्ज हमारा 3000 मीटर क्यूब पर मिनट से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ अ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इज इक्वल टू, तो उसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी 1+k-k ब्रैकेट में P2/P1 की होल पावर 1/n, जहाँ पे k हमारा क्लियरेंस रेशियो होता है, जिसकी वैल्यू क्लियरेंस वॉल्यूम अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम होती है। इसकी वैल्यू हम लोग 3% से 8% के बीच में रखते हैं। P2 हमारा हायर प्रेशर है, P1 हमारा लोअर प्रेशर है, और N हमारा पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, द थर्मल इफिशेंसी ऑफ एन ओपन साइकिल गैस टर्बाइन इंक्रीजेज विद दी, ओपन साइकिल गैस टर्बाइन की इफिशेंसी बढ़ाने के लिए हम लोग एयर की प्री हीटिंग करते हैं, जिसकी वजह से एयर का जो इनलेट टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंक्रीजेज इन इनलेट टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस टर्बाइन वर्क्स ऑन, तो उसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी एटकिंसन साइकिल। एटकिंसन साइकिल का हम PV डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे प्रोसेस 1, 2, 3, 4 हमारा एक ऑटो साइकिल है, लेकिन टर्बाइन में एक्सपेंशन ऑटो साइकिल से ज़्यादा होगा, तो ये हमारी लाइन और आगे बढ़ जाएगी, और ये हमारी लाइन कांस्टेंट प्रेशर की होगी। यहाँ से टर्बाइन में हीट सप्लाई होगी, जो कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती है, और यहाँ से हीट रिजेक्ट होगी, जो कि कांस्टेंट प्रेशर पे होती है। एटकिंसन साइकिल हमारा प्रोसेस 1, 2, 3, 4, 5 है, और ऑटो साइकिल हमारा 1, 2, 3, 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, द कैपेसिटी ऑफ बॉयलर इज डिफाइंड एज, तो उसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी अमाउंट ऑफ वाटर कन्वर्टेड इनटू स्टीम फ्रॉम 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड इन 1 आवर। कैपेसिटी ऑफ बॉयलर की हमारी यूनिट होती है kg पर आवर, टन्स पर आवर, या फिर LB पर आवर, LB को हम पाउंड भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18,
द टाइप ऑफ सेफ्टी वॉल्व रिकमेंडेड फॉर हाई प्रेशर बॉयलर इज, तो उसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वॉल्व। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, ब्लेड इफिशेंसी ऑफ स्टीम टर्बाइन इज इक्वल टू, ब्लेड इफिशेंसी को हम डायग्राम इफिशेंसी भी बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है इक्वल टू वर्क डन बाय द ब्लेड अपॉन एक्चुअल एनर्जी इंटरिंग द ब्लेड। इसे हम लिख सकते हैं इक्वल टू एम डॉट, ये मास फ्लो रेट होता है, यू ब्रैकेट में वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू अपॉन वन बाई टू एम डॉट वी वन का स्क्वायर। एम डॉट कैंसिल हो जाएंगे, टू पर चला जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा टू यू वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू अपॉन में वी वन का स्क्वायर, जो कि हमारा ऑप्शन बी में दिया हुआ है टू वी, यहाँ पे वी की जगह यू होगा और यहाँ माइनस की जगह प्लस होगा, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, द गैस विच इज़ यूज एज कूलेंट इन अ न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो उसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, हीलियम। हीलियम के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड को भी न्यूक्लियर पावर प्लांट में कूलेंट की तरह यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, द फंक्शन ऑफ अ रिफ्लेक्टर इन न्यूक्लियर पावर प्लांट इज टू, न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो न्यूट्रॉन्स बिना रिएक्ट किए हुए बाहर आ रहे होते हैं उनको रिफ्लेक्टर वापस फ्यूल के कोर तक भेजता है ताकि रिएक्शन का रेट बढ़ सके, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिफ्लेक्ट दी एस्केपिंग न्यूट्रॉन्स बैक इनटू दी कोर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, इफ़ द कैपेसिटी ऑफ अ रेफ्रिजरेटिंग मशीन इज 110, देन द रेट ऑफ हीट एब्स्ट्रैक्शन इज इक्वल टू, 110 रेफ्रिजरेशन हमारा होता है 3.5 किलोवाट, यही इक्वल टू होता है हमारा 210 किलो जूल पर मिनट, और यही हमारा इक्वल टू होता है 50 किलो कैलोरी पर मिनट। इन तीनों यूनिट में से 50 किलो कैलोरी आपका ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, द रेफ्रिजरेशन सिस्टम वर्क्स ऑन, तो उसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड लॉ में ये कहा गया है कि लो ग्रेड एनर्जी यानी कि हीट को हम हाई ग्रेड एनर्जी वर्क में कम्प्लीटली कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। लो ग्रेड एनर्जी का हाई ग्रेड एनर्जी में कम्प्लीटली कन्वर्जन या ट्रांसफ़र इम्पॉसिबल है, क्योंकि हीट ट्रांसफ़र के दौरान मॉलिकुलर डिसऑर्डरनेस होता है, उसी को हम लोग एंट्रोपी कहते हैं। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि एंट्रोपी का टर्म थर्मोडायनेमिक्स के किस लॉ में बताया गया है, तो उसका भी आंसर होगा हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द रेफ्रिजरेंट इज़ मोर टॉक्सिक, तो उसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, अमोनिया। अमोनिया सबसे टॉक्सिक रेफ्रिजरेंट है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट इज़ मोर कॉस्टली, तो उसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, फेरॉन 12। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, द रेफ्रिजरेंट शुड हैव हाई थर्मल कंडक्टिविटी एंड लो फ्रीजिंग टेम्परेचर। ये आपको रेफ्रिजरेंट की और भी कई प्रॉपर्टी दी गई हैं, इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए, ये सब एग्ज़ाम में पूछी गई हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट हैज़ मैक्सिमम लेटेंट हीट, तो उसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, अमोनिया। अमोनिया की सबसे ज़्यादा लेटेंट हीट होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, आ रेफ्रिजरेंट शुड हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टी, ए है हाई बॉइलिंग पॉइंट, बी है हाई लेटेंट हीट, सी है हाई स्पेसिफिक हीट और डी है हाई स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो ये जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं ये हमेशा लो होनी चाहिए, लो स्पेसिफिक हीट और लो स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो इसका मतलब हमारा सी और डी हमारा रॉन्ग है। अब ए और बी में देखिए,
ये दोनों ही प्रॉपर्टी रेफ्रिजरेंट के लिए डिज़ायरेबल है। लेकिन अगर बात की जाए बॉइलिंग पॉइंट और लेटेंट हीट में, तो लेटेंट हीट जिस भी रेफ्रिजरेंट की ज़्यादा होती है वो रेफ्रिजरेंट सबसे अच्छा माना जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाई लेटेंट हीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। द नेसेसरी डाटा रिक्वायर्ड फॉर द डिज़ाइन ऑफ द एयर कंडीशनिंग ऑपरेटर्स इज आर, तो ए है ग्रैंड टोटल हीट, बी है डी ह्यूमिडिफाइड एयर क्वांटिटी, सी है ऑपरेटर्स ड्यू पॉइंट टेम्परेचर और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों ही डाटा हमको एयर कंडीशनर ऑपरेटर्स की डिज़ाइन के लिए यूज़ होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। इफ़ ए इक्वल टू यू डेल यू बाई डेल एक्स, बी इक्वल टू वी डेल यू बाई डेल वाई एंड सी इक्वल टू न्यू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, देन मोमेंटम इक्वेशन ऑफ द बाउंड्री लेयर कैन बी। बाउंड्री लेयर का मोमेंटम इक्वेशन हमारा होता है यू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वी डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू न्यू, न्यू हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है, इंटू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। क्वेश्चन में इसकी वैल्यू ए दिया है, इसकी वैल्यू बी दिया है और इसकी वैल्यू सी दिया है। इसको हम देखेंगे तो ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारा रिलेशनशिप बन रहा है जो कि हमारा ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू ज़ीरो। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। फॉर नॉन फ्लो क्लोज सिस्टम द वैल्यू ऑफ नेट एनर्जी ट्रांसफर्ड एज हीट एंड वर्क इक्वल्स चेंज इन। क्लोज सिस्टम में जब कोई हम हीट या वर्क के फॉर्म में एनर्जी देते हैं तो उस क्लोज सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है, ठीक है फ्रेंड। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। ड्यूरिंग थ्रॉटलिंग प्रोसेस द फॉलोइंग होल्ड्स गुड। थ्रॉटलिंग प्रोसेस में वर्क की वैल्यू ज़ीरो रहती है और ये प्रोसेस एडियाबैटिक होता है। इसमें एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है और एंट्रोपी टाइम के साथ चेंज होती रहती है। तो इन तीनों में हमारा ऑप्शन ए में देखिए एंथैल्पी डज नॉट चेंज, मीन्स एंथैल्पी यहाँ पे कांस्टेंट है। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर रिलेटेड एज अंडर। एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर का रेशियो इक्वल टू होता है टी टू अपॉन टी वन इक्वल टू पी टू अपॉन पी वन की पावर गामा माइनस वन अपॉन गामा, जो कि हमारा ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एडियाबैटिक प्रोसेस में प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन होता है पी वन वी वन गामा इक्वल टू पी टू वी टू गामा, और टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप होता है टी वन वी वन गामा माइनस वन इक्वल टू टी टू वी टू गामा माइनस वन। इन दोनों को भी आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। एन इंजन ऑपरेट्स बिटवीन टेम्परेचर लिमिट्स 900 केल्विन एंड टी टू एंड अनदर बिटवीन टी टू एंड 400 केल्विन। फॉर बोथ इंजन्स टू बी इक्वली इफिशियंट टी टू शुड बी, जब आपको तीन रिजर्वॉयर दिए गए हों और आपसे बोले कि दोनों इंजन की इफिशेंसी सेम है, यहाँ टी वन टी टू और टी थ्री, यहाँ एक इंजन लगा है यहाँ दूसरा इंजन लगा है, जब आपसे बोले कि दोनों इंजन की इफिशेंसी सेम हो, तो हमारा टी टू होता है अंडर रूट टी वन इंटू टी थ्री। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम 900 इंटू 400, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 600 केल्विन, जो कि हमारा ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में आपको बोलता कि दोनों इंजन का वर्क आउटपुट सेम है, तब हमारा टी टू टेम्परेचर क्या होता, तब हमारा टी टू टेम्परेचर होता टी टू इक्वल टू टी वन प्लस टी थ्री बाई टू, दोनों को ऐड करके टू से डिवाइड करते हैं, तब हमारा हो जाता 900 प्लस 400
अपॉन टू मीन्स 650 केल्विन। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। फॉर अ प्रोसेस द वैल्यू ऑफ ओवरऑल इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू इज, फर्स्ट लॉ से हीट इक्वल टू होता है इंटरनल एनर्जी में चेंज प्लस वर्क डन। तो डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो ये टर्म हमारा इंटरनल एनर्जी में चेंज को दिखा रहा है, मीन्स किसी भी प्रोसेस में जितना भी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा वही डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू होगा, जो कि इंटरनल एनर्जी हमारा टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। मीन्स उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता कि पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा या ज़ीरो होगा, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, मतलब अनप्रिडिक्टेबल होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनप्रिडिक्टेबल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। एरिया अंडर द कर्व ऑफ अ TS डायग्राम रिप्रेजेंट्स, TS डायग्राम में कर्व का जो एरिया होता है वो हमारा किसी प्रोसेस में कितना हीट ट्रांसफ़र हो रहा है उसे सिंबलाइज्ड करता है। वो प्रोसेस चाहे रिवर्सिबल प्रोसेस हो या फिर इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीट ट्रांसफ़र फॉर ऑल प्रोसेसेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। अ हीट इंजन डेवलप 60 किलोवाट वर्क हैविंग एन एफिशिएंसी ऑफ 60%। अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड विल बी, हीट इंजन की एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वर्क नेट अपॉन हीट सप्लाई। तो एफिशिएंसी हमारा 60% दिया हुआ है, तो 0.6 इक्वल टू 60 अपॉन क्यू सप्लाई। तो क्यू सप्लाई हमारा आ जाएगा 100 किलोवाट। वर्क नेट हमारा होता है क्यू सप्लाई माइनस क्यू रिजेक्टेड। वर्क नेट की वैल्यू हमारी 60 किलोवाट, क्यू सप्लाई हमने निकाला है 100 किलोवाट, और क्यू आर की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो क्यू आर की वैल्यू यहाँ से हमारी आ जाएगी 40 किलोवाट। तो क्यू रिजेक्टेड हमारा आ गया 40 किलोवाट। तो देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन सी में देखिए 40 किलोवाट, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। इन कैरनॉट साइकिल एडिशन एंड रिजेक्शन ऑफ हीट टेक्स प्लेस एट, कैरनॉट साइकिल में हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन हमारा कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जिसे आप फिगर में अच्छे से देख सकते हैं। ये कैरनॉट साइकिल का पीवी डायग्राम है और ये कैरनॉट साइकिल का TS डायग्राम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। फॉर सेम वैल्यू ऑफ कंप्रेशन रेशियो एंड हीट इनपुट द ऑर्डर ऑफ थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ऑटो डीजल एंड ड्यूल साइकिल्स विल बी एज अंडर। जब कंप्रेशन रेशियो और हीट इनपुट की वैल्यू बराबर होती है तो हमेशा ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होगी, फिर ड्यूल इंजन की, फिर लास्ट में डीजल इंजन की होगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑटो ड्यूल फिर डीजल। अगर इसी क्वेश्चन में बोलता हमारा मैक्सिमम प्रेशर पे किसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है, तो मैक्सिमम प्रेशर पे डीजल इंजन की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होगी, उस केस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसे भी आप अच्छे से याद रखिएगा, ये दोनों कंडीशन एग्जाम में बार बार पूछते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। अ हीट इंजन रिसीव्स 1120 किलो जूल ऑफ हीट एंड रिजेक्ट्स 840 किलो ऑफ जूल व्हाइल ऑपरेटिंग बिटवीन टू टेम्परेचर लिमिट्स ऑफ 560 केल्विन एंड 280 केल्विन। इट इंडिकेट दैट द इंजन ऑपरेट्स ऑन द फॉलोइंग साइकिल। तो आपको पहले दो टेम्परेचर दिया है, ये आपका T1 है, ये T2 है। तो इससे आप इंजन की एफिशिएंसी निकालेंगे, एफिशिएंसी ऑफ इंजन 560 माइनस 280 अपॉन में 560। तो ये हमारा आ जाएगा 50%। अब आप दूसरे मेथड से एफिशिएंसी निकालेंगे, ये आपको क्यू सप्लाई है, ये क्यू रिजेक्ट है। तो इससे आपको एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, वर्क नेट, वर्क नेट क्या होता है, क्यू सप्लाई माइनस क्यू रिजेक्ट, मतलब 1120 माइनस 840 अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हमारा 1120। तो ये हमारा एफिशिएंसी आ जाएगा 25.23।
टेम्परेचर से निकालेंगे तो इतना आ रहा है और हीट से निकालेंगे तो इतना आ रहा है, मतलब दोनों मैच नहीं कर रहा है, तो ये इंजन हमारा इम्पॉसिबल साइकिल में होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। चेंज इन एंट्रोपी फॉर आ नेचुरल प्रोसेस विल ऑलवेज बी, नेचुरल प्रोसेस में एंट्रोपी हमेशा मैक्सिमम होती है, तो हमारा आंसर होगा मैक्सिमम, क्योंकि ऑप्शन डी में प्रिंट नहीं हुआ है तो यहाँ पे मैक्सिमम ऑप्शन है। ठीक है फ्रेंड, जीरो हो नहीं सकता, नेगेटिव हो नहीं सकता, और पॉजिटिव, पॉजिटिव में भी क्या, मैक्सिमम से मैक्सिमम, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ एन आइडियल ऑटो साइकिल, आइडियल ऑटो साइकिल में हम थर्मल एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हैं, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, इंक्रीजेज विद कंप्रेशन रेशियो। इसे आप फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है 1-1r की पावर गामा माइनस वन, जहाँ पे स्मॉल आर हमारा कंप्रेशन रेशियो है और गामा स्पेसिफिक हीट रेशियो है। अगर कंप्रेशन रेशियो आर, स्मॉल आर की वैल्यू आप बढ़ाएंगे तो ये पूरा टर्म हमारा कम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि ये वन माइनस में है, अगर ये पूरा टर्म हमारा कम हो रहा है तो एफिशिएंसी हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इसे आप फिजिकली भी देख सकते हैं कि कंप्रेशन रेशियो बढ़ाने पे सेम कंबशन टेम्परेचर पे हमारी फ्यूल सप्लाई कम हो जाती है और मैकेनिकल आउटपुट बढ़ जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंक्रीजेस विद कंप्रेशन रेशियो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन फॉर स्फीयर इज इक्वल टू, स्फीयर में हमारा क्रिटिकल रेडियस का फॉर्मूला होता है RC इक्वल टू 2K/h, जहाँ पे K हमारा थर्मल कंडक्टिविटी है और H हमारा हीट ट्रांसफ़र कोफिशेंट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2K/h। अगर आपको कहता कि सिलेंडर में क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तब हमारा होता K/h। ठीक है फ्रेंड, इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। इफ द रेशियो ऑफ इमिशन ऑफ अ बॉडी टू दैट ऑफ अ ब्लैक बॉडी एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट फॉर ऑल वेवलेंथ्स, द बॉडी इज कॉल्ड, आपको कह रहा है कि इमिशन ऑफ अ बॉडी अपॉन इमिशन ऑफ अ ब्लैक बॉडी, ये किसी एक गिवन टेम्परेचर पे कॉन्स्टेंट है और किसी भी वेवलेंथ पे, मतलब वेवलेंथ की वैल्यू आप कुछ भी रख दें तो ये वैल्यू हमारा एक गिवन टेम्परेचर पे कांस्टेंट रहेगा, तो वो बॉडी हमारी कहलाएगी ग्रे बॉडी, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि ग्रे बॉडी वेवलेंथ लैम्डा पे डिपेंड नहीं करती है, इसलिए एक गिवन टेम्परेचर पे ये रेशियो हमारा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। द थिकनेस ऑफ थर्मल बाउंड्री लेयर इज इक्वल टू हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर व्हेन प्रांटल नंबर इज इक्वल टू, प्रांटल नंबर की किस वैल्यू पर थर्मल बाउंड्री लेयर और हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर की थिकनेस आपस में बराबर होंगी, तो हम पहले प्रांटल नंबर फॉर्मूला देखेंगे, PT इक्वल टू होता है न्यू बाई अल्फा, जहाँ पे न्यू काइनेमेटिक विस्कोसिटी है और अल्फा थर्मल डिफ्यूजिविटी है, तो ये हमारा हो जाएगा del/t। अब आपसे कह रहा है कि प्रांटल नंबर किस वैल्यू पे, ये del=del/t होगा, अगर हम प्रांटल नंबर की वैल्यू 1 रखें तो del/del/t हो जाएगा, तब हमारा आपस में del/del और del/t आपस में बराबर होंगे, तो ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी में हमारा 1 दिया है तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। अ कंपोजिट वॉल्व कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट मटेरियल्स हैविंग थर्मल कंडक्टिविटीज K, 2K, and 4K रिस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ टेम्परेचर ड्रॉप अक्रॉस डिफरेंट मटेरियल्स विल बी, आपको एक कंपोजिट वॉल दी गई है जिसमें डिफरेंट मटेरियल का यूज़ किया गया है, जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी K, 2K, and 4K है, और आपसे टेम्परेचर ड्रॉप तीनों मटेरियल में पूछ रहा है उसका रेशियो, तो टेम्परेचर ड्रॉप DT/DX थर्मल कंडक्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अगर थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ाएंगे तो हमारा जो टेम्परेचर ड्रॉप है वो कम होगा।
तो यहाँ पे देख लीजिए थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ रही है, पहले के है फिर 2K फिर 4K, मीन्स जो टेम्परेचर ड्रॉप होगा वो K में सबसे ज़्यादा होगा, फिर 2K में होगा, फिर लास्ट में सबसे कम 4K में होगा। तो हमारा रेशियो आ जाएगा 4:2:1। तो देख लेते कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन सी देखिए, 4:2:1, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। अ बॉडी कूल्स फ्रॉम 90°C to 70°C इन 5 मिनट्स। द टाइम रिक्वायर्ड बाय बॉडी फॉर फर्दर कूलिंग टू 50°C विल बी। 90 डिग्री से 70 डिग्री हमारा कितने समय में हो रहा है, ये हमारा हो रहा 5 मिनट में। अब आपसे पूछ रहा है 70 से 50 डिग्री होने में कितना टाइम लगेगा। आप पहला ऑप्शन है 5 मिनट, दूसरा है 5 मिनट से कम, तीसरा है 5 मिनट से ज़्यादा और चौथा है 10 मिनट। जब हमारा बॉडी कूल होती है तो जब टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होगा तो डाउन होने में कूलिंग रेट बढ़ने लगता है, जिसका मतलब ये हुआ कि फर्दर 70 से 50 होने में जो टाइम लगेगा वो 5 मिनट से कम लगेगा। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेस देन 5 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। द वैल्यू ऑफ स्टैंटन नंबर फॉर वैल्यू ऑफ नसल नंबर 400, रेनॉल्ड नंबर 40 एंड प्रांटल नंबर 20। स्टैंटन नंबर की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। स्टैंटन नंबर फॉर्मूला होता है इक्वल टू नसल नंबर अपॉन रेनॉल्ड नंबर इंटू प्रांटल नंबर। सारी वैल्यू बस आपको यहाँ पुट करना है, 400 40 × 20। तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 400/800, ये हमारा आ जाएगा 0.5। तो 0.5 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। एज्यूमिंग द सन टू बी अ ब्लैक बॉडी एमिटिंग रेडिएशन विथ मैक्सिमम इंटेंसिटी एट, ये वैल्यू प्रिंट नहीं है, द सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन विल बी। अगर ये वैल्यू एक्स होता, मान लेते हैं एक्स है, तो इंटेंसिटी ई बी इक्वल टू होता है सिग्मा टी की पावर 4। ई बी वैल्यू आपको प्रिंट नहीं दिया गया है, तो एक्स इंटू सिग्मा टी की पावर 4। सिग्मा क्या है, सिग्मा हमारा स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 5.6×10⁻⁸। इसकी यूनिट जो कि इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4, ये यूनिट भी एग्ज़ाम में पूछता है, तो इसे आप याद रखिएगा। तो आप एक्स वाई सिग्मा करके टी की वैल्यू फाइंड कर लेते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 50। अकॉर्डिंग टू वीन्स लॉ द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू। वीन्स लॉ से मैक्सिमम एनर्जी पे मैक्सिमम वेवलेंथ इनटू टेम्परेचर का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब वेवलेंथ टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टी की पावर -1। तो ऑप्शन ए में देखिए टी की पावर -1 है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। LMTD इन केस ऑफ काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर एज कम्पेयर टू पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर इज। LMTD का फॉर्मूला होता है TM इक्वल टू ∆Ti - ∆TE अपॉन में ln ∆Ti / ∆TE। काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर के केस में ∆TE की वैल्यू ∆Ti से ज़्यादा होती है, इसलिए काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर का TM जो LMTD होता है वो पैरेलल फ्लो से ज़्यादा होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइयर। ठीक है फैन, सबसे ज़्यादा हमारा काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर में होता है, काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर में, फिर उसके बाद शेल एंड ट्यूब में, शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में, फिर उसके बाद क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर में, फिर सबसे लास्ट में पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर में LMTD होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। फॉर रेडिएशन बिटवीन टू लार्ज पैरेलल प्लेट्स हैविंग इमिसिविटीज, यहाँ पे एप्सिलॉन 1, यहाँ पे एप्सिलॉन 2, द इफेक्टिव इमिसिविटी विल बी। तो इफेक्टिव का फॉर्मूला होगा 1/1 / ε1 + 1/ε2
-1 जो कि हमारा ऑप्शन डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, फ्री कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय, तो उसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी ग्रेशॉफ नंबर। ग्रेशॉफ नंबर हमारा होता है इक्वल टू इनर्शिया फोर्स इंटू बायोन्सी फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स का होल स्क्वायर, ये इक्वल टू होता है स्मॉल जी बीटा डेल्टा टी एल क्यूब अपॉन न्यू स्क्वायर। बीटा हमारा बॉयंसी फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, इन अ काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर द हॉट फ्लूड इज कूल्ड फ्रॉम 110 डिग्री सेंटीग्रेड टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड बाय अ कोल्ड फ्लूड विच इज हीटेड फ्रॉम 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड। LMTD फॉर द हीट एक्सचेंजर विल बी, काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर में आपको हॉट फ्लूड 110 से 80 डिग्री हो रहा है और कोल्ड फ्लूड 30 डिग्री से 60 डिग्री हो रहा है। तो यहाँ डेल टी आई क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा इक्वल टू कितना 110 माइनस 60, ये कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब डेल टी ई कितना होगा, ये भी हमारा 50 डिग्री होगा। तो LMTD का फॉर्मूला क्या होता है, LMTD का फॉर्मूला होता है TM इक्वल टू डेल टी आई माइनस डेल टी ई अपॉन में LN डेल टी आई अपॉन में डेल टी ई। तो डेल टी आई की वैल्यू 50 थी और डेल टी ई की वैल्यू 50 थी, तो 50 माने 50, यहाँ पे भी 50 अपॉन 50, तो ये हमारा 0/0 का केस हो गया। जब भी 0/0 का केस होता है तो LMTD इक्वेशन या तो TI होता है या तो TE होता है। तो हमारा कितना आया, तो हमारा कितना आया था 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमारा आंसर हो जाएगा 50 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि हमारा ऑप्शन बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, फॉलिंग फैक्टर इन द डिज़ाइन ऑफ हीट एक्सचेंजर इज यूज कंसीडरिंग द फैक्ट दैट, हीट एक्सचेंजर की सेफ्टी कंसर्ट को लेके फॉलिंग फैक्टर की डिज़ाइन की जाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इट इज़ अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन डिज़ाइन। फॉलिंग फैक्टर की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर केल्विन अपॉन वॉट। फॉलिंग हमारा एक तरह की डर्ट होता है, गंदगी होती है जो कि हीट एक्सचेंजर के ट्यूब में अंदर और बाहर दोनों जमा हो जाती है, जिसके कारण हीट एक्सचेंजर की एफिशिएंसी कम हो जाती है और ट्यूब में प्रेशर वैरी करने लगता है और ट्यूब को वो डैमेज करने लगता है। तो सेफ्टी कंसर्न को लेके हम पहले फॉलिंग फैक्टर की डिज़ाइन करते हैं। हीट एक्सचेंजर का ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र निकालने के लिए हमको इक्वल टू 1/H1 प्लस फॉलिंग फैक्टर कहाँ, हॉट ट्यूब में, प्लस 1/H2 प्लस F2 फॉलिंग फैक्टर कोल्ड ट्यूब में। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, विच डायमेंशनलेस नंबर हैज सिग्निफिकेंट रोल इन फोर्स कन्वेक्शन, तो उसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी प्रांटल नंबर। पिकलेट नंबर हमारा होता है, पिकलेट नंबर इक्वल टू होता है प्रांटल नंबर इंटू रेनॉल्ड्स नंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ एन ऑटो साइकिल हैविंग कंप्रेशन रेशियो 4 एंड एडियाबेटिक एक्सपोनेंट फॉर एयर गामा इक्वल टू 1.5 विल बी, स्मॉल आर की वैल्यू आपको 4 दिया है और गामा की वैल्यू 1.5 और आपसे ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी पूछ रहा है। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है इक्वल टू 1-1/r की पावर गामा माइनस 1, सारी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 1-1/4 की पावर 1.5-1 कितना 0.5 हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको सॉल्व करेंगे आपका आ जाएगा 1/2 मीन्स 0.5, इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 50%, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, थर्मल इफिशेंसी ऑफ अ कैनॉट इंजन इज 30% इफ़ द इंजन इज रिवर्स टू ऑपरेट एज हीट पम्प विद सेम ऑपरेटिंग कंडीशंस व्हाट विल बी द COP ऑफ द हीट पम्प।
अगर सेम टेम्परेचर लिमिट दी गई हो, सेम टेम्परेचर लिमिट हो, तब हीट इंजन रेफ्रिजरेटर और हीट पंप में रिलेशन होता है 1/ एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इक्वल टू COP ऑफ हीट पंप इक्वल टू 1+ COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, क्योंकि आपको इंजन की एफिशिएंसी और हीट पंप के बीच में रिलेशन यहाँ पे यूज़ होगा, तो हमारा हो जाएगा 1/ एफिशिएंसी ऑफ इंजन इक्वल टू COP ऑफ हीट पंप। तो वैल्यू पुट कर देंगे 1/0.3 इक्वल टू COP ऑफ हीट पंप, तो हमारा यहाँ से आ जाएगा COP ऑफ हीट पंप इक्वल टू 10/3 मीन्स 3.33। तो हीट पंप का COP हमारा 3.33 आ गया, तो देख लेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन डी देखिए 3.33, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। एन ऑयल हैविंग काइनेमेटिक विस्कोसिटी 0.25 स्ट्रोक फ्लोज थ्रू अ पाइप ऑफ 10 सेंटीमीटर डायमीटर। द फ्लो विल बी क्रिटिकल एट अ वेलोसिटी ऑफ अबाउट, काइनेमेटिक विस्कोसिटी आपको 0.25 स्ट्रोक दिया हुआ, स्ट्रोक हमारा होता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इसको हमको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो 0.25 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब आपको वेलोसिटी पूछ रहा है, तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए आपको काइनेमेटिक विस्कोसिटी को रेडियस से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 0.25 × 10⁻⁴ अपॉन में डायमीटर आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा, तो रेडियस हमारा हो जाएगा 5, और इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻², तो ये हमारा हो जाएगा 0.5 × 10⁻²। मीटर पर सेकेंड, जो कि हमारा ऑप्शन ए में दिया हुआ, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज, लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी की SI यूनिट हमारा होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल टू होता है डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू अपॉन डेंसिटी रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। नेवियर स्ट्रोक्स इक्वेशन इज कंसर्न्ड विद, तो नेवियर स्ट्रोक्स इक्वेशन इज कंसर्न्ड विद डिसिपेशन ऑफ एनर्जी ड्यू टू टर्बुलेंस इन फ्लूइड मैकेनिक्स, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टर्बुलेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। व्हेन अ फ्लूइड फ्लोस थ्रू अ पाइपलाइन अंडर विस्कस फ्लो कंडीशन मीन्स लेमिनार फ्लो में है, क्वेश्चन ये भी पूछता है कि लेमिनार फ्लो कौन सा फ्लो होता है, तो आपका ऑप्शन होना चाहिए विस्कस फ्लो। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है द रेशियो ऑफ वेलोसिटी एट द एक्सिस ऑफ द पाइप टू द मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज, पाइप में जब विस्कस फ्लो होता है मीन्स लेमिनार फ्लो होता है, तो एक्सिस पर जो वेलोसिटी होती है वो वी मैक्सिमम होती है, ठीक है फ्रेंड, जो वी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो हमारी एवरेज वेलोसिटी के बाई टू होती है, मींस वी मैक्स अपॉन वी मीन मींस एवरेज या मीन इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। इन अ टर्बुलेंट फ्लो थ्रू अ पाइप द शियर स्ट्रेस इज, पाइप में जब टर्बुलेंट फ्लो होता है तो शियर स्ट्रेस की वैल्यू कैसे वेरी करती है उसे देखिए। ये पाइप है, ये पाइप का एक्सिस है, टर्बुलेंट फ्लो में वॉल पे शियर स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू होती है ये टाऊ मैक्स, और जैसे जैसे सेंटर पे जाएगा वैसे टाऊ की वैल्यू कम होगी और सेंटर पे ज़ीरो रहेगी, तो इससे हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं कि वॉल पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम और धीरे धीरे लीनियरली होते हुए सेंटर तक ज़ीरो, फिर सेंटर से धीरे धीरे बढ़ना चालू होगी और वॉल पे जाके मैक्सिमम हो जाएगी, तो यहाँ पे ऑप्शन डी देखिए मैक्सिमम एट दी वॉल एंड डिक्रीजेस लीनियरली टू ज़ीरो एट दी सेंटर, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। एट व्हाट डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ पाइप ऑफ रेडियस कैपिटल आर डज द एवरेज वेलोसिटी अकर इन लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो के केस में वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है इक्वल टू 1/4 म्यू इंटू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है यू बार इक्वल टू 1/8 म्यू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। अब स्मॉल आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको ये दोनों इक्वेशन को इक्वल करना पड़ेगा। जब इक्वल करेंगे तो म्यू से म्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस डेल पी बाई डेल एक्स भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 4 ये दो बार जाएगा, तो इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2, मीन्स स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी हमारी कैपिटल आर बाई अंडर रूट 2। तो ये आ जाएगा 0.707 आर, मतलब स्मॉल आर की वैल्यू हमारी कैपिटल आर के फॉर्म में आ गई है 0.707। तो देख लेते हैं हम ऑप्शन बी में हमारा दिया हुआ है स्मॉल आर इक्वल टू 0.707, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। द लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन इन अ पाइप ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर इन विच अ विस्कस फ्लो मीन्स लेमिनार फ्लो इज टेकिंग प्लेस इज गिवेन इन टर्म्स ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर RES। पाइप में फ्रिक्शन के कारण जो हेड लॉस होता है उसका फॉर्मूला होता है F इक्वल टू 64/RE, जहाँ पे RE क्या है, वो रेनॉल्ड्स नंबर है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। हाइड्रोलिक रेडियस इज इक्वल टू, हाइड्रोलिक रेडियस होता है हमारा एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर, जो कि हमारा ऑप्शन बी में दिया हुआ है, एरिया डिवाइडेड बाय द वेटेड पेरीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। एन ऑयल विद स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.85 एंड विस्कोसिटी 3.8 पॉइस फ्लोस इन अ 5 सेंटीमीटर डायमीटर हॉरिजेंटल पाइप एट 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब वेलोसिटी आपको 2 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। द रेनॉल्ड्स नंबर विल बी अप्रॉक्सीमेटली, आपको रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू रो वी डी अपॉन डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू। डेंसिटी की वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी में 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारा आ जाएगा 850। वेलोसिटी आपको 2 मीटर पर सेकंड दिया गया है, डायमीटर 5 सेंटीमीटर, तो इसे मीटर में चेंज करेंगे तो 5×10^-2 अपॉन में डायनेमिक विस्कोसिटी आपको कितना दिया 3.8 पॉइस, इसे एसआई में चेंज करेंगे तो 10^-1। इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगी 250। ठीक है फ्रेंड, जो 250 आपकी वैल्यू है वो इन चारों में से देखिए ऑप्शन ए के पास में है, 224 के पास में है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। द नॉमिनल थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर रिप्रेजेंट द डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस टू अ पॉइंट वेयर। बाउंड्री लेयर की थिकनेस हम सरफेस से उस पॉइंट तक लेते हैं, ये हमारा सरफेस है और ये हमारा बाउंड्री लेयर थिकनेस है सिग्मा, और ये पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा इस बात पे डिपेंड करेगा कि वेलोसिटी हमारी इनिशियल वेलोसिटी का 0.99 हो। ठीक है फ्रेंड, मींस इनिशियल वेलोसिटी का 99% हो, तो ऑप्शन सी देखिए, वेलोसिटी इज 99% ऑफ इट्स एसिम्प्टोटिक लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। इन अ लेमिनार बाउंड्री ओवर अ फ्लैट प्लेट व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ वॉल शियर स्ट्रेसेस टाउ वन एंड टाउ टू
एट टू सेक्शंस वेयर लाई एट डिस्टेंसेस एक्स वन इक्वल टू टू यूनिट्स एंड एक्स टू इक्वल टू टेन यूनिट्स फ्रॉम द लीडिंग एज ऑफ द प्लेट। लीडिंग एज से आपको डिस्टेंस दे रखा है और आपसे वॉल शेयर स्ट्रेस का रेशियो पूछ रहा है। तो फ्लैट प्लेट में जो वॉल शेयर स्ट्रेस हमारा होता है वो लीडिंग एज के डिस्टेंस के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है फ्रेंड, तो टाउ वन अपॉन टाउ टू इक्वल टू हमारा हो जाएगा अंडर रूट एक्स टू अपॉन एक्स वन। यहाँ से वैल्यू आप पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, टाउ वन अपॉन टाउ टू इक्वल टू अंडर रूट टेन बाई टू, ये आ जाएगा आपका अंडर रूट फाइव इक्वल टू हमारा आ जाएगा फाइव की पावर वन बाई टू इक्वल टू फाइव की पावर पॉइंट फाइव, फाइव की पावर पॉइंट फाइव हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर ऑप्शन बी में दिया हुआ है। वन बाई टू मतलब टाउ वन अपॉन टाउ टू इक्वल टू फाइव की पावर पॉइंट फाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। द हाइट ऑफ वाटर कॉलम करस्पॉन्डिंग टू अ प्रेशर इक्विलेंट ऑफ 60 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम विल बी, क्योंकि वाटर कॉलम और मर्क्यूरी कॉलम का जो प्रेशर है वो बराबर है, पी ऑफ वाटर इक्वल टू पी ऑफ मर्क्यूरी। तो फॉर्मूले में रखेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू स्मॉल जी इंटू वाटर कॉलम की हाइट एच डब्ल्यू इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इंटू स्मॉल जी और मर्क्यूरी के कॉलम की हाइट। तो स्मॉल जी से स्मॉल जी कट जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000, एच डब्ल्यू इक्वल टू मर्क्यूरी की डेंसिटी 13600 और हाइट कितना दे रहा है 60 सेंटीमीटर मीन्स 0.6 मीटर। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा एच डब्ल्यू इक्वल टू आ जाएगा आपका 816, क्या आ जाएगा आपका 816 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन टू मेंटेन 0.05 मीटर क्यूब पर सेकंड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ पेट्रोल स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.7 थ्रू अ स्टील पाइप 0.2 मीटर डायमीटर एंड 1000 मीटर लॉन्ग टेकिंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.0025 विल बी। आपको हेड लॉस की वैल्यू फाइंड करनी है। हेड लॉस का फॉर्मूला हमारा होता है एच एल इक्वल टू 4FLV स्क्वायर अपॉन 2GD, जहाँ पे F हमारा वो है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, L क्या है वो लेंथ है, V वेलोसिटी है, D डायमीटर है। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि आपको यहाँ वेलोसिटी नहीं दी गई है तो आप सबसे पहले वेलोसिटी फाइंड करेंगे किससे, डिस्चार्ज से। डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। डिस्चार्ज की वैल्यू आपको 0.05 दिया हुआ है, एरिया पाई बाई 4 डी स्क्वायर, डी की वैल्यू 0.2 स्क्वायर इंटू वी। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका वेलोसिटी यहाँ से आ जाएगा 1.61 मीटर पर सेकेंड। अब आपको सिर्फ सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करना है तो फिर आपका एच एल आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 6.438 मीन्स यहाँ हो जाएगा आपका 6.44। तो आपका हेड लॉस निकल गया 6.44 मीटर। देखिए ऑप्शन बी में 6.44 मीटर, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 74। इफ द कंप्रेशन रेशियो इज इंक्रीज्ड इन एसआई इंजन द नॉकिंग टेंडेंसी विल बी, अगर हम एसआई इंजन में कंप्रेशन रेशियो की वैल्यू बढ़ाते हैं तो इंड चार्ज का टेम्परेचर भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से कंबस्शन चैम्बर में दो फ्लेम जनरेट होंगी, ये फ्लेम वन है और ये फ्लेम टू है। कुछ टाइम बाद ये दोनों फ्लेम आपस में कोलाइड होके नॉकिंग टेंडेंसी को बढ़ाएंगी। ठीक है फ्रेंड, इसीलिए हम एसआई इंजन में कंप्रेशन रेशियो को कम से कम रखते हैं। तो हम एसआई इंजन में 6 से 10 के बीच में कंप्रेशन रेशियो को रखते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हुआ कि अगर हम
कंप्रेशन रेशियो की वैल्यू एसआई इंजन बढ़ाएंगे तो नॉकिंग टेंडेंसी हमारा बढ़ेगा, ऑप्शन ए इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, एंटी नॉक प्रॉपर्टी ऑफ सीआई इंजन फ्यूल कैन बी इंप्रूव्ड बाय एडिंग। सीआई इंजन फ्यूल में हम टेट्रा एथिलेट को मिक्स करते हैं जिससे कि इंजन में नॉकिंग की टेंडेंसी कम हो जाती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टेट्रा एथिल लेड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, द इंजेक्शन प्रेशर इन डीजल इंजन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। डीजल इंजन में इंजेक्शन प्रेशर हमारा 100 से 200 बार के बीच में होता है, तो ऑप्शन बी में देखिए 100 से 150 बार दे रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर बात की जाए कि सीएनजी इंजन में इंजेक्शन प्रेशर कितना होता है, तो वो हमारा 200 से 400 के बीच में होता है। ठीक है फ्रेंड, अगर क्वेश्चन पूछे कि सीएनजी इंजन में इंजेक्शन प्रेशर कितना होता है, तब आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, कार्बन डिपॉजिट ऑन द सिलेंडर हेड ऑफ एन आईसी इंजन टेंड टू इंक्रीज। अगर सिलेंडर हेड में हमारा कार्बन जमा हो जाता है तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है, ये सिलेंडर हेड हमारा इनलेट वॉल आउटलेट वॉल ये पिस्टन, यहाँ पे जो स्पेस रहता है उसको हम बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम, और पिस्टन जितना वॉल्यूम कवर करता है उसे हम कहते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम। ठीक है फैन, अब अगर यहाँ पे कार्बन जमा हो जाएगा तो उस कार्बन जमा होने के कारण जो क्लियरेंस वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा और स्वेप्ट वॉल्यूम कम हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे ये दोनों बढ़ेंगे नहीं। अब हमारा है कंप्रेशन रेशियो, कंप्रेशन रेशियो हमारा बढ़ेगा क्योंकि अगर यहाँ पे कार्बन जमा होगा तो जो फ्यूल इफिशेंसी यहाँ पे फ्यूल की इफिशेंसी कम हो जाएगी, जिस कारण कंबशन इफिशेंसी भी कम होगी और कंप्रेशन रेशियो हमको बढ़ाना पड़ेगा, जिसके कारण जो पिस्टन है उसमें डीके होने लगेगा और नॉकिंग की टेंडेंसी भी बढ़ जाएगी। ठीक है फ्रेंड, इसीलिए हम ये ट्राई करते हैं कि सिलेंडर हेड पे कार्बन जमा ना होने पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, एन इम्पल्स टर्बाइन इज यूज्ड फॉर। इम्पल्स टर्बाइन मोस्ट इफिशेंट तब होगी जब हमारा इनलेट प्रेशर बहुत हाई हो और डिस्चार्ज बहुत कम हो। इनलेट प्रेशर हाई कब होगा, जब हमारा वाटर का जो हेड है वो हाई हो। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाई हेड ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, इफ द जेट रेशियो इन अ पेल्टन टर्बाइन व्हील इज 18, द नंबर ऑफ बकेट्स विल बी अबाउट। पेल्टन व्हील टर्बाइन में नंबर ऑफ बकेट का फॉर्मूला होता है m/2+15, जहाँ पे m हमारा जेट रेशियो होता है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे कितना, 18/2+15, तो ये हमारा आ जाएगा 9+15 इक्वल टू हमारा आ जाएगा 24 बकेट्स, जो कि हमारा ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। जेट रेशियो m इक्वल टू होता है डायमीटर ऑफ पेल्टन टर्बाइन व्हील अपॉन डायमीटर ऑफ नोजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, अ लो वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट फॉर अ थर्मोकपल कैन बी अचीव्ड बाय। थर्मोकपल के लिए टाइम कांस्टेंट की वैल्यू होती है HA(τ/ρVCP), जहाँ पे स्मॉल एच हमारा हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, ए एरिया है, टाउ टाइम है, रो डेंसिटी है, वी वॉल्यूम है और सीपी स्पेसिफिक हीट है। अगर हम लोग डेंसिटी रो को बढ़ाते हैं और स्पेसिफिक हीट की वैल्यू सीपी को भी बढ़ाते हैं तो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड, और क्वेश्चन में आपसे लो वैल्यू के लिए पूछ रहा है तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यूजिंग मेटल्स ऑफ हाई डेंसिटी एंड हाई स्पेसिफिक हीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, इन ऑर्डर टू अवॉइड कैविटेशन इन सेंट्रीफ्यूगल पंप्स। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में कैविटेशन को अवॉइड करने के लिए हमको सक्शन प्रेशर की वैल्यू हाई रखनी पड़ती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द सक्शन प्रेशर शुड बी हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, थर्मल इफिशेंसी ऑफ क्लोज साइकिल गैस टर्बाइन प्लांट इज इंक्रीज्ड बाय द फॉलोइंग। तो उसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी रीजनरेटर।
क्लोज साइकिल गैस टरबाइन की एफिशिएंसी होती है डब्लू नेट अपॉन क्यू सप्लाई। जब हम गैस टरबाइन प्लांट में रीजनरेटर का यूज़ करते हैं तो वो क्यू सप्लाई को कम कर देता है, जिसकी वजह से गैस टरबाइन प्लांट की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ठीक है फ्रेंड, रीजनरेटर टरबाइन में जो रिजेक्टेड हीट होती है, जो एग्जॉस्ट हीट होती है, रिजेक्टेड हीट होती है, उसे टरबाइन में फिर से कम्बशन के लिए यूज़ करता है, मतलब रीजनरेशन प्रोसेस के लिए फिर से यूज़ करता है। इस नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। मोस्ट ऑफ द टेरेस्ट्रियल सोलर रेडिएशन रिसीव्ड ऑन द अर्थ लाई विद इन वेवलेंथ रेंज। हमारी अर्थ किस वेवलेंथ रेंज की रेडिएशन को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है? तो हमारी अर्थ 300 नैनोमीटर से 3000 नैनोमीटर वेवलेंथ के स्पेक्ट्रम को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है, लगभग 90%। तो ये नैनोमीटर में, इसे माइक्रोमीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.3 माइक्रोमीटर टू 3 माइक्रोमीटर। तो ऑप्शन बी देखिए, 0.29 माइक्रोमीटर टू 2.5 माइक्रोमीटर, लगभग इतना ही है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। फ्लैट प्लेट सोलर कलेक्टर्स आर यूज्ड फॉर टेम्परेचर एप्लीकेशंस अबव एम्बिएंट ऑफ अबाउट, तो उसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी 100 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 212 डिग्री फॉरेनहाइट। फ्लैट प्लेट सोलर कलेक्टर्स हमारा सोलर एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 85 में मिस प्रिंटिंग था, इसलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 86 है, अ कैनॉट रेफ्रिजरेशन साइकिल हैज अ सीओपी ऑफ 4, द रेशियो ऑफ हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर विल बी। कैनॉट रेफ्रिजरेशन के सीओपी का फॉर्मूला होता है टी लोअर अपॉन टी हायर माइनस टी लोअर। सीओपी आपको 4 दे रखा है, तो टी एल अपॉन टी हायर माइनस टी लोअर, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 4 टी हायर इक्वल टू 5 टी लोअर। तो टी हायर अपॉन टी लोअर इक्वल टू हो जाएगा 5/4 मीन्स 1.25। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी 1.25। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। वेपर कंप्रेशन साइकिल यूजिंग R12 गिव्स मैक्सिमम सीओपी व्हेन। VCRS साइकिल में 1 से 2 के बीच में कंप्रेसर होता है वर्क इनपुट, 2 से 3 के बीच में कंडेंसर होता है, 3 से 4 के बीच में एक्सपेंशन प्रोसेस होता है, और 4 से 1 तक हमारा डिज़ायर इफेक्ट, मतलब यहाँ इवोपरेटर लगा होता है। अगर हमको VCRS मतलब वेपर कंप्रेशन साइकिल की COP बढ़ाना है, COP इक्वल टू होता है डिज़ायर इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। ठीक है फ्रेंड, अगर COP बढ़ाना है तो वर्क इनपुट हमको कम करना पड़ेगा। वर्क इनपुट कैसे कम होगा? अगर हमारा कंप्रेशन का जो सक्शन स्टेट हो वो सुपर हीटेड रीजन में हो, यहाँ होगा तो देखिए पहले इतना था, अब ये कम हो गया 1/2, मतलब वर्क इनपुट की वैल्यू कम हो गई। जब वर्क इनपुट हमारा कम हो जाएगा तो COP हमारा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ हमको कंप्रेसर हमारा सुपर हीटेड रीजन में वर्क करना चाहिए। तो देख लेते हैं ऑप्शन बी देखिए, सक्शन स्टेट टू कंप्रेसर इज इन सुपर हीट रीजन, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। इन अ सिंपल सैचुरेटेड वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल द हीट रिजेक्टेड इन कंडेंसर इज 160 किलो जूल पर kg एंड कंप्रेसर वर्क इज 32 किलो जूल पर kg, देन द COP विल बी। VCRS साइकिल में आपको कंप्रेसर का वर्क और कंडेंसर में हीट रिजेक्ट कितना है वो दे रहा है। 1/2 हमारा कंप्रेसर होता है, 2/3 कंडेंसर जहाँ हीट रिजेक्ट होती है, 3/4 में एक्सपेंशन प्रोसेस होता है, और 4/1 हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है। ठीक है फ्रेंड, तो आपको H2 माइनस H1 कंप्रेसर का वर्क दिया है
32। फिर कंडेंसर में कितनी हीट रिजेक्ट हो रही है, H2 माइनस H3 की वैल्यू आपको 160 किलो जूल दिया हुआ है। तो यहाँ से आप इसको माइनस करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, H2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो H3 माइनस H1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी, कितना आ जाएगी, 160 में से 32 जाएगा तो आपका आ जाएगा 128 ओई माइनस में। ठीक है फ्रेंड, तो इसका मतलब क्या हुआ कि H1 बड़ा है तो तो हम लिख सकते हैं H1 माइनस H3 इक्वल टू 128 किलो जूल पर kg। अब VCRS का COP होता है इक्वल टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन कंप्रेसर वर्क। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना होता है, वो हमारा होता है H1 माइनस H4। VCRS साइकिल में H3 की वैल्यू और H4 की वैल्यू दोनों इक्वल होती है, तो कंप्रेसर वर्क हमारा H2 माइनस H1। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं H1 माइनस H3 अपॉन H2 माइनस H1, तो वैल्यू पुट कर देंगे 128 अपॉन कंप्रेसर वर्क 32, तो हमारा 4 टाइम्स जाएगा तो COP की वैल्यू हमारी 4 आ जाएगी, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। इन एक्वा अमोनिया एंड लिथियम ब्रोमाइड वाटर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम द रेफ्रिजरेंट्स आर रिस्पेक्टिवली। एक्वा अमोनिया में अमोनिया हमारा एज अ रेफ्रिजरेंट्स काम करता है और लिथियम ब्रोमाइड एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में वाटर एज अ रेफ्रिजरेंट काम करता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमोनिया एंड वाटर रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। रूम सेंसिबल हीट फैक्टर इज डिफाइंड एज। रूम सेंसिबल हीट फैक्टर डिफाइंड द रेशियो ऑफ रूम सेंसिबल हीट अपॉन समेशन ऑफ रूम सेंसिबल हीट एंड रूम लेटेंट हीट, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,